जनरल स्ट्रेंथ डिजाइन रिक्वायरमेंट्स बीम के लिए क्या है? फाइ एम एन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एम यू। अब एम यू की डिस्कशन हमारी हो चुकी है। फॉर टिपिकल फ्लोर सिस्टम्स इट रिड्यूसेस टू लार्जर ऑफ दीज टू। हमारा टारगेट ये होगा कि हम सेक्शन वो डिज़ाइन करेंगे जिस जो कि टेंशन कंट्रोल सेक्शन हो, यानी जिसका एप्सिलॉन टी एप्स 0.005 से ग्रेटर हो, यानी जिसके लिए फाइ की वैल्यू हम 0.9 यूज़ कर सकेंगे। बाद में हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो हम इनिशियली फाइ की वैल्यू 0.9 यूज़ करेंगे और बाद में इंश्योर करेंगे कि हमारा एप्सिलॉन टी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005 है। अगर हमारे पास सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन हो और अंडर रिइंफोर्स्ड और कांस्टेंट विड्थ कंप्रेशन जोन हो, तो उस केस में एम एन कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं, PRC1 वाली ये मैंने मटेरियल निकाला है। सो एम एन के लिए बेस्ड ऑन, यानी ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है फॉर दिस कंडीशन, और हम इस वक्त डिज़ाइन भी यही कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट विथ कंप्रेशन जोन सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन, ये हमारा टॉपिक है ना। सो एम एन इज given by this expression. Now, if you look at this expression, general expression, you can put the value of mn over here. अच्छा, इसमें mn के अंदर ये term क्या है? Lever arm, moment arm आप इसको कह सकते हैं, represented by JD. Now, typical values for this moment arm we will be discussing in a while. ये है बड़ा आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके डिज़ाइन के अंदर, कि आप जे डी की सर्टेन वैल्यू, टिपिकल वैल्यू यूज़ करके आप स्टार्ट कर रहे होंगे प्रोसेस।